देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ऑनलाइन ट्रोलिंग के मामले में 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। न्याय के रास्ते में दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए नेताओं ने इस मामले में राष्ट्रपति से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। 16 मार्च को लिखे गए लेटर में विपक्षी दलों का कहना है कि हम सभी जानते हैं कि भारत के माननीय CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र में सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी के हित के लिए संभावित तौर पर सहानुभूति रखने वाली ट्रोल आर्मी ने भारत के माननीय CJI के खिलाफ एक आक्रामकता दिखाई है। शब्द और सामग्री गंदी और निंदनीय है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने देखा है। बता दें कि ये पत्र कांग्रेस सांसद विवेक तनखा की तरफ से लिखा गया है और पार्टी के सांसद दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी, अमी याग्निक, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, शिवसेना UBT सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी और समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन और राम गोपाल यादव की तरफ से इसका समर्थन किया गया है। तनखा ने इसी मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट मणि को भी अलग से लिखा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शक्ति परीक्षण के लिए कॉल करने की कार्रवाई की वैधता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद ऑनलाइन ट्रोल्स ने CJI और न्यायपालिका पर हमला शुरू किया है। हाल ही में CJI चंद्रचूड़ ने भी ट्रोलिंग की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ये एक ऐसा युग है जहां लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी है। हम जो कुछ भी करते हैं, और मेरा विश्वास करें, जज के रूप में हम इसके अपवाद नहीं हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से ट्रोल किए जाने का खतरा होता है जो आपकी बात से सहमत नहीं है। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार ट्रोलिंग पर अपनी चिंता जता चुका है। साल 2017 में न्यायाधीशों और न्यायिक कार्यवाही समेत लगभग हर मुद्दे पर सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन पर सहमति जताई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।